दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय प्रतीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, नेशनल सिंबल। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। भारत के राष्ट्रध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है और ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगे को अपनाया था और भारत ने राष्ट्रध्वज में स्थित केसरिया रंग, त्याग और बलिदान का सफ़ेद रंग तथा सत्य और शांति और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक प्रदर्शक माना था या है। भारत का राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गान जनगणमन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो बात कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। अगला जो भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ है और जो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक सम्राट द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक शेर के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973
वाघिया और रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण वाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया और या माना गया है। वाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय पशु की बात कर लें, राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्रिस्टिडस पाओ होता है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। इसको हिंदू बौद्ध तथा जैन धर्म में कमल को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता। कमल के फूलों का प्रयोग प्रायः पूजा तथा आयुर्वेदिक एलोपैथिक और यूनानी औषधि के निर्माण हेतु किया जाता है। कमल का वानस्पतिक जो नाम है नील विलियन विनियन नील वियन नील वियन न्यूसीफेस होता है। राष्ट्रीय खेल जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। जब भारत में ओलंपिक में हॉकी का खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। लेकिन सरकार वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। बात करें राष्ट्रीय वृक्ष की, राष्ट्रीय वृक्ष वर्गद या बट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म या जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाएं तने और जड़ों के छोटे बड़े कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वनस्पतिक नाम जो है फिकस वैगलेसिस होता है। राष्ट्रीय लिपि जो है आधिकारिक रूप से लिपि देवनागरी लिपि को माना गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी माना गया है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें आगे चलकर नदियाँ जैसे कि अलकनंदा यमुना सोन गोमती कोसी और घाघरा आदि मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा संगम होता है। इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से आज जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु में अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। वह हाथियों की घटती संख्या के कारण इनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन भारत को राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय इक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का संगठन जंतु को विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना गया और माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तब इसे महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत सरकार के अनुसार किसी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और भारत संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।